नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम की, और ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है हम फॉर ए सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए ड्रा करेंगे। अब ये सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन किस तरह का होता है, कैसे काम करता है वो जान लेते हैं। इसकी एक सिंपल सी डायग्राम अगर हम बनाएं तो यहाँ पर हम ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है जो कि फिक्स पॉइंट है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्रैंक है। और ये जो क्रैंक होती है हमारी, ये जो हमने फिक्स पॉइंट माना है इंजन के केस में, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये शाफ्ट है, जो क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक जो है क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होती है। जब भी क्रैंक रोटेट करती है तब ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट से ही ये क्रैंक कनेक्ट होती है। जब भी हम इसकी रोटेशन की बात करेंगे इस क्रैंक की, तो हमें यही समझना है कि ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये रोटेट करेगी। तो आगे जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी रोटेशन की बात करेंगे, तो हम यही मानेंगे कि जो ये क्रैंक है ये मूव करेगी, तो क्रैंक शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी। ये इसका पिन है क्रैंक का, और ये इस तरह से क्लॉकवाइज मान लेते हैं कि ये रोटेट कर रही है इस तरह से इस सर्कुलर पाथ में। तो जैसे मान लीजिए पहले यहां पर थी ये जो क्रैंक थी, अभी यहां पर सी पॉइंट ले लेते हैं, ये जो ओ पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है। तो यहां पर थी मान लीजिए स्टार्टिंग में सी डैश, इसको हम ले लेते हैं इनर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर पर थी स्टार्टिंग में, यानी कि जो थीटा एंगल था ये अभी यहाँ थीटा एंगल बना रही है, पहले जीरो था, फिर ये यहाँ पर आई, फिर कुछ समय बाद ये यहाँ पर आएगी, यानी कि 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। कुछ समय बाद ये क्रैंक जो है यहाँ पर आएगी, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगी 270 डिग्री हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर आएगी 360 डिग्री हो जाएगा। अगर हम टोटल रोटेशन देखें क्रैंक की तो वो कितनी होती है, 360 डिग्री यही होगी। और जब ये 180 डिग्री की रोटेशन लेगी तो ये जो पिस्टन हमारा होता है एक जगह से, यानी कि यहां से वो यहां पर आ जाता है, क्योंकि ये मूव करता है, ये हमारी कनेक्टिंग रोड है, तो ये कनेक्टिंग रोड हो गई जो कि इन दोनों को कनेक्ट करती है, क्रैंक को और जो पिस्टन है उसको, ये पिस्टन है। अब यहां पर जैसे ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो कनेक्टिंग रोड को अपनी तरफ ये खींचेगी, और जिससे कि पिस्टन जो है इस लाइन ऑफ स्ट्रोक में मूव करेगा। अब यहां पर ये वन पोजीशन से मान लीजिए यहां था तो यहां पर आ जाएगा, जब 180 डिग्री मूव करेगी यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से जब ये दोबारा से यहां से 180 डिग्री से रोटेशन लेगी तो फिर ये यहां से इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये किस तरह से मूव कर रहा है, 180 डिग्री में इस तरफ जा रहा है, 180 डिग्री में इस तरफ जा रहा है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से, या कहें कि लेफ्ट राइट मोशन जो है इस तरह से ले रहा है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये तो सिंगल सिलेंडर है, लेकिन डबल एक्टिंग का क्या मतलब है, अब इसको समझ लेते हैं। अब देखिए डबल एक्टिंग का मतलब है इसको दोनों तरफ से पावर मिल रही है। जैसे मान लीजिए हम इस तरह की एक सिलेंडर ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो ओपनिंग है, और यहां पर पिस्टन ले लेते हैं। अब यहां से मान लीजिए इसको पावर मिली, ये इस तरफ जाएगा, यहां से पावर मिलेगी इस तरफ जाएगा, ये काम इसके साथ होगा। तो यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर पहले इसको पावर मिलती है तो ये इस तरफ मूव करता है, और जब यहां से इसको पावर मिलती है तो ये इस तरफ मूव करता है। तो यही यहां पर हो रहा है इसके साथ, ये जो पिस्टन है इस तरह से मूव करता रहेगा। इसको हम डबल एक्टिंग बोलेंगे कि ये जब इस तरफ जाएगा तो इस तरफ से एग्जॉस्ट कर देगा, इस तरफ जाएगा तो इस तरफ से जो है स्टीम को एग्जॉस्ट कर देगा। इस तरह से ये डबल एक्टिंग काम करता है, यानी कि दोनों तरफ से, जब ये इस तरफ जाता है यहां से पावर मिलती है, इस तरफ जाता है यहां से पावर मिलती है, तो डबल एक्टिंग आप कह सकते हैं, दोनों तरफ से ये काम कर रहा है, तो डबल एक्टिंग स्टीम इंजन हो गया। तो चलिए अब इसकी डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो डायग्राम है हमारी दो एक्सिस पर बनती है, जो नीचे वाला एक्सिस होता है यहाँ पर क्रैंक एंगल होता है, अभी हमने देखा जो क्रैंक शाफ्ट है मूव करती है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री पर। और यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास होता है टर्निंग मोमेंट, कि उसने कितना जो है टर्निंग जो उसने लिया है, टर्निंग मोमेंट उसके अंदर हुई है। अब जो ये टर्निंग मोमेंट होती है ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं, अब देखिए टर्निंग मोमेंट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक आर्म है और आप इसको टर्न करना चाहते हैं, तो ये फोर्स जो होती है और ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो चीज है, तो ये चीज ये होती है,
तो यह लिंक की आप इसको बोल दीजिए एफ है, अगर आप इसको आर मान लेते हैं तो एफ इंटू आर ये टर्निंग मोमेंट होगी, और इसके लिए हमने फॉर्मूला भी निकाला था। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह की डायग्राम बनती है, इस तरह के कर्व की शेप में ये बनती है। ये किस तरह से बनती है ये हम देख लेते हैं। ये इस फॉर्मूले से बनती है, जो टी है हमारी एफ पी इंटू आर, यानी कि जो पिस्टन के ऊपर जो हमारी फोर्स लग रही है। अब इसको ध्यान से समझिए, जो पिस्टन है ये इस तरह से मान लीजिए पिस्टन है, और ये जो है यहाँ पर सिलेंडर की वाल ले लेते हैं। अब ये जो पिस्टन किससे कनेक्टेड है हमारा, ये हमारा कनेक्टिंग रोड से कनेक्टेड है, ये कनेक्टिंग रोड है। और यहाँ पर ये कनेक्टिंग रोड किससे कनेक्टेड है, ये क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है, इसी तरह से है। अब जैसे ही इस पिस्टन के ऊपर स्टीम फोर्स लगाएगी, मान लीजिए इस तरफ से स्टीम ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो ये मूव करेगा। अब यही जो है ये पिस्टन के ऊपर ये एक तरह का जो प्रेशर पड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। और रेडियस क्या होगी कि जैसे ही इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, कनेक्टिंग रोड जो है इससे कनेक्ट है क्रैंकशाफ्ट से, और ये क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगी। अगर स्टीम जो है पिस्टन को मूव करेगी, पिस्टन कनेक्टिंग रोड को मूव करेगा, कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट को मूव करेगी, यानी कि क्रैंकशाफ्ट इस तरह से रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी। तो यही चीज है एफ पी इंटू जो क्रैंक की रेडियस है, तो इसलिए यहाँ पर ये ली गई है आर। और ये फॉर्मूला हमने पहले निकाला था साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा टू अंडर रूट एन स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा, ये पहले हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, अब पहले तो हम एक कर्व को देख लेते हैं, जीरो से 180 तक के कर्व को। अगर हम थीटा को जीरो पुट करते हैं तो हमें पता है साइन थीटा जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर आप थीटा को जीरो पुट करते हैं तो ये सारा जो है हमारा जीरो ही हो जाएगा, और टी हमारी जीरो हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट हमें मिलेगा ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आप थीटा को 90 डिग्री पुट करते हैं, तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये जो है 90 डिग्री का पॉइंट है, तो यहाँ पर ये हमें मैक्सिमम मिलती है, मैक्सिमम जो हमारी टर्निंग मोमेंट है। अब मैक्सिमम का क्या मतलब है, थीटा जब 90 पुट करेंगे तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। तो यानी कि ये जो है हमारा ये यहाँ पर टी मैक्स है, जो टर्निंग मोमेंट है ये मैक्सिमम हमें मिलेगी। अगर हम थीटा को 180 डिग्री पुट कर देते हैं, 180 डिग्री, तो साइन थीटा हमारा क्या आ जाता है, जीरो आ जाएगा दोबारा से। तो 180 पर ये जो है हमारा जीरो आ जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। यानी कि ये जो 1 2 3 कर्व है, या इसको ए बी सी कुछ भी नाम दे दीजिए, ये जो कर्व है ये हमें मिलेगा अगर हम थीटा की वैल्यू को 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री इस तरह से पुट करते हैं। अब ये 180 डिग्री में हमें पता है जब क्रैंक जो है 180 डिग्री रोटेट करती है तो जो पिस्टन है वो इस तरफ मूव कर जाता है, तो आप इसको इनवर्ड स्ट्रोक कह सकते हैं कि वो अंदर की तरफ जा रहा है, या आउटवर्ड स्ट्रोक कुछ भी कह लीजिए, या लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा 180 डिग्री में। इसी तरह से जब यहां पर ये पहुंच जाएगा, क्रैंक जो है 180 से 360 चलेगी, पहले तो वो 180 डिग्री तक चली, फिर वो 180 से 360 डिग्री चलेगी। तो यहां पर हमें जो है वापस इसका जो मोशन है पिस्टन का मिलेगा, वो इस तरफ आएगा। यानी कि ये जो कर्व है अगर आप यहां से देखें तो ये भी जो कर्व है इस तरह से आ जाएगा। यहां पर भी सेम आप ले सकते हैं कि जैसे कि 0 फिर 90 डिग्री और यहां पर 180 डिग्री 0, या ऐसे कर सकते हैं कि 180 में जब 90 ऐड करेंगे इतना आ जाएगा, इसमें जो है आप 90 ऐड करेंगे इतना आ जाएगा। तो यहां से भी यानी कि ये जो कर्व है लगभग जो है इसके सेम ही बनेगा। तो इस तरह से ये कर्व बनाया गया है इस रिवर्स स्ट्रोक के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये हमारी टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है बनती है, और जीरो पे जीरो क्यों है ये, 90 पर मैक्सिमम क्यों है, 180 पर जीरो क्यों है। तो इस तरह से ये कर्व जो है रिवर्स के लिए, यानी कि सेम जो है इसके लिए बनाया गया है। तो इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। अब अगर आपको वक्र निकालना हो तो वक्र क्या होगा, जो कि हमारा ये जो कर्व है इसके अंदर का जो एरिया है, तो वो हमारा क्या होगा, एरिया अगर हम देखें वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा पर रेवोल्यूशन, जो एरिया होगा इन कर्व के बीच का, तो वो वर्क डन आ जाएगा, वो हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज हमें देखनी है कि जब भी कोई इंजन के अंदर पिस्टन मूव करता है, जैसे मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल वाल है और ये जो है पिस्टन है, अब इसको वर्टिकल पोजिशन में एक बार हम मान लेते हैं, ये कनेक्टिंग रोड हो गई, और इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है क्रैंक से कनेक्टेड है। अब देखिए जब पिस्टन मूव करता है,
मान लीजिए स्टीम आई और उसने इसको एकदम से प्रेशर दिया तो उसने मूव किया, मूव करेगा कनेक्टिंग रोड मूव करेगी और जिससे कि ये क्रैंकशाफ्ट हमारी रोटेट करेगी। अब यहां पर इसको रिटार्डेशन भी मिलती है, जैसे ही यहां से पिस्टन पर फोर्स लगी और वो उसने मूव किया तो वो एक तरह से एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन उसके अंदर पैदा होगी जैसे ही स्टीम उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। लेकिन जब वो एंड में पहुंचेगा तो उसको जो है ये स्टीम अपना काम खत्म कर चुकी होगी तो उसको रिटार्डेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसको ऊपर आना है, ऊपर की तरफ आना है। अभी जो ये रिटार्डेशन है कई तरह से हो सकती है, एक तो जो सिलेंडर के दोनों तरफ का प्रेशर है उसके कारण से, कुछ फ्रिक्शन के कारण से, तो इस तरह से, इसके खुद के वेट के कारण से भी अगर वर्टिकल पोजिशन की बात करते हैं तो वेट तो इसका नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, W इक्वल टू एम जी, तो वो तो नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको वेट को ओवरकम करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, या जो भी इस तरह की रिटार्डेशन है वो इसके ऊपर लग जाएंगी। तो इसको जो है उनको ओवरकम करने के लिए जो आप स्टीम जो डबल एक्टिंग की बात कर रहे हैं, जो दोबारा से स्टीम देंगे, तो उस स्टीम का इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो इन सारी चीजों को ओवरकम करके, यानी कि इतना वर्कडन हमें इसके ऊपर करना पड़ेगा कि वो इन सारी चीजों को ओवरकम करके ऊपर की तरफ मूव करें। तो यहां पर एक चीज हमारी निकल कर आती है इस डायग्राम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मीन रेजिस्टिंग टोर्क, जो कि ये रेड लाइन दिखाई है, तो ये होती है टी मीन। इसको मीन रेजिस्टिंग टोर्क बोलते हैं, यानी कि यहां से अगर यहां तक देखें हम, ये जो है ओवरकम उसको करना पड़ेगा, हमें जो है वर्क डन जो है करना पड़ेगा अगेंस्ट मीन रेजिस्टिंग टोर्क, तभी जो है पिस्टन जो है एक्सेलरेट करेगा। यानी कि अगर ये जो वैल्यू देखें मीन रेजिस्टिंग टोर्क से ऊपर वाली वैल्यू देखें तो इस तरह से ये पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी, नहीं तो अगर हम उसको ओवरकम नहीं कर पाए तो हमारा जो है इस तरह से मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा। आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो ये टर्निंग जो मोमेंट है हमें पॉजिटिव कहां मिली, मान लीजिए आप इसको ए पॉइंट दे दीजिए, इसको बी पॉइंट दे दीजिए, ए और बी के बीच में जो ये आपको पॉजिटिव मिल रही है, तो ये क्यों मिल रही है? क्योंकि जो स्टीम ने काम किया है पिस्टन के ऊपर, जो हमारा इंजन है उसके पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन जो है अगर हम बात करें उसके अंदर ये एक्सेलरेट हुआ है, या कहें कि अगर पिस्टन जो है एक्सेलरेट हुआ है तो क्रैंक शाफ्ट जो है एक्सेलरेट हुई है, क्योंकि पिस्टन से कनेक्टिंग रोड कनेक्ट है और कनेक्टिंग रोड से क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट है, तो वो एक्सेलरेट हुई है। जो इंजन टोर्क है वो ज्यादा है मीन रेजिस्टिंग टोर्क से, तभी तो टर्निंग मोमेंट जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन जब टर्निंग मोमेंट जो है हमारी नेगेटिव होगी, जैसे कि इन पॉइंट्स के बीच में देखिए, बी और सी के बीच में जब टर्निंग मोमेंट हमारी नेगेटिव होगी, तो इस केस में क्या होगा, इंजन टोर्क जो होगा मेन रेजिस्टिंग टोर्क से इससे कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो क्रैंक शाफ्ट है वो रिटार्ड करेगी और जो वर्क है वो पिस्टन के द्वारा स्टीम पर करना पड़ेगा, उसको पिस्टन को स्टीम पे करना पड़ेगा उसको एग्जॉस्ट करते हुए, जो उसको रिटार्डेशन मिल रही है, क्योंकि डबल एक्टिंग है, यहां से जाएगा तो यहाँ पर कुछ जो प्रेशर होगा जो स्टीम होगी तो उसको बाहर निकालेगा, फिर यहां से मिलेगी तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ से उसको कुछ रिटार्डेशन मिलेगी, उस चीज की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास टर्निंग मोमेंट पॉजिटिव कब होगी, यानी कि जो स्टीम है वो काम करेगी पिस्टन के ऊपर, जो इंजन का पिस्टन है, और नेगेटिव कब होगी, जब जो पिस्टन को या कहें कि इंजन के पिस्टन को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा स्टीम के ऊपर। तो यहां पर अगर हम टी ले लेते हैं कि ये जो है टोर्क है क्रैंक शाफ्ट की, किसी भी इंस्टेंट ले लेते हैं, और जो टी मीन है ये क्या है, जो मीन रेजिस्टिंग टोर्क है, तो एक्सेलरेटिंग टोर्क क्या होगी हमारी, एक्सेलरेटिंग टोर्क तो ये ज्यादा होनी चाहिए टी माइनस जो टी मीन है, यही हमारी एक्सेलरेटिंग टोर्क होगी, क्योंकि रेजिस्टिंग टोर्क से ज्यादा होनी चाहिए तभी तो हमें एक्सेलरेशन टोर्क मिलेगी इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट को जो एक्सेलरेट करेगी। अब T माइनस टी मीन, अगर हम इसको बात करें कि फ्लाई व्हील के केस में, क्योंकि देखिए जो क्रैंक होती है उसके आगे जो है क्रैंक शाफ्ट के आगे फ्लाई व्हील भी लगा होता है, तो T माइनस टी मीन की बात करें तो वो पॉजिटिव होगी, तो फ्लाई व्हील जो है एक्सेलरेट करेगा। फ्लाई व्हील का मतलब है कि क्रैंक शाफ्ट एक्सेलरेट करेगी तो फ्लाई व्हील को अपनी एनर्जी देगी, फ्लाई व्हील भी एक्सेलरेट करेगा अगर ये पॉजिटिव होगी। और इसी तरह से T माइनस टी मीन अगर हमारी नेगेटिव होगी तो क्या होगा, फ्लाई व्हील को जो है रिटार्डेशन मिलेगी वहां पर, अगर टी माइनस टी मीन नेगेटिव है,
व्हील कहाँ पर कनेक्टेड है हमारा, जो कि क्रैंक शाफ्ट से जो बाहर उसी शाफ्ट पर कनेक्ट है हमारा। जब क्रैंक मूव करती है क्रैंक शाफ्ट के साथ फ्लाई व्हील कनेक्टेड होता है तो ये पॉजिटिव होगी टी माइनस टी मीन तो वो एक्सेलरेट करेगा, टी माइनस टी मीन नेगेटिव होगी तो वो रिटार्ड करेगा, क्योंकि उसको जो है काम करना पड़ेगा एक तरह से। तो इस तरह से ये जो है हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है समझ सकते हैं, इसके कर्व को समझ सकते हैं एंगल्स के थ्रू और इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।